Hello everyone, welcome to my channel. Dear friends, today we are going to understand a poem named Wind on the Hill and it is written by Adam Alexander Mile. So, without any delay, let us start. This poem is based on the narrator's experience of enjoying the beauty of the wind. So, this poem is all about wind and how beautiful it is. The wind is a unique phenomenon. We cannot see it, but we can see the consequences of its movement. In this poem, a child is grappling with this understanding. So, here in this poem, a little child is just grappling, what is a wind? Where does it come from and where does it go? These kinds of thought he is processing. So, let's start. No one can tell me, nobody knows. Where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow the wind for a day and a night. And then when I found it, wherever it blew,

और ये विंड कहाँ को जाती है इट्स फ्लाइंग फ्रॉम सम व्यव एज़ फास्ट एज इट कैन आई कूडन कीप अप विद इट नॉट इफ़ आई रैन ये कहीं ना कहीं से तो हवा बह रही है ये फ्लाई कर रही है और जितना हो सके उतना ज़्यादा फास्ट बहने की कोशिश कर रही है आई कूडन कीप अप विद इट नॉट इफ़ आई रैन और मैं इसके साथ कीप अप नहीं हो सकता मैं इसके साथ इतनी तेज़ नहीं भाग सकता नॉट अनटिल इफ आई रन जब तक कि मैं भागना स्टार्ट ना कर दूँ बट इफ आई स्टॉप होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट इट वुड ब्लो द वेंड फॉर अ डे एंड अ नाइट और अगर मैंने अपनी काइट के स्ट्रिंग को छोड़ दिया मैंने उसके होल्ड को छोड़ दिया इट वुड ब्लो विद द वेंड तो मेरी काइट जो है वो विंड के साथ ब्लो करेगी आसमान में रहेगी फॉर अ डे एंड अ नाइट दिन रात तक वो सिर्फ हवा के साथ आगे बहती रहेगी एंड देन वेन आई फाउंड इट वेर एवर विट ब्ल्यू आई शुड नो दैट दंड हैड बिन गोइंग देअ टू और बाद में जब मैं अपनी काइट को ढूंढ लूँगा कि वो कहाँ पर है तब मुझे ये बात भी समझ में आएगी कि विंड कहाँ से कहाँ तक बही थी मतलब विंड भी कहाँ पर गई थी सो देन आई कल देम Where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. तो अगर मुझे मेरी काइट मिल जाती है इसका मतलब मुझे पता चल गया कि विंड कहाँ तक गई बट अभी भी एक प्रॉब्लम है किसी को नहीं पता कि वो विंड कहाँ से आई मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये अभी तक नहीं पता चला सो गाइज द पोइट इज़ अ स्मॉल बॉय हु थिंक्स दैट अबाउट द विंड एंड वे आर द विंड कम्स एंड टू द कंक्लूजन दैट विंड दज समथिंग विच इज विच नो वन हैज एवर सीन ही थिंक्स दैट विंड नो बडी हैज़ सीन ही फाइंड्स अ वे टू फील द विंड एंड नो अबाउट इट्स डायरेक्शन बाई फ्लाइंग अ काइट सो ही थाट कि विंड को हम फील कर सकते हैं तो इसकी डायरेक्शन पता करने का एक तरीका है कि मैं अपनी काइट को फ्लाई करता हूँ द डायरेक्शन इन द इन विच द काइट वुड फ्लाई विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग विंड तो जिस डायरेक्शन में मेरी काइट उड़ेगी मतलब जो विंड है उसी डायरेक्शन में वो बह रही है वेन द बॉय वुड होल्ड द काइट द पावर ऑफ द विंड वुड मेक इट फ्लाई इन द एय और विंड की मदद से वो जो काइट है वो हवा में बहने लगेगी the boy would be able to tell anyone the direction of the wind with the help of the kite और इससे क्या होगा boy किसी को भी ये बता सकता है कि wind किस तरफ जा रही है the poem talks about the hidden inspiration which is not seen and analyzed you know what यहाँ पर जो poem है वो हमें एक hidden inspiration के बारे में बता रही है जो ना किसी ने देखी है ना किसी ने analyze की है we can only feel them Okay? और वो जो इंस्पिरेशन है वो हमें कहाँ तक लाइफ में आगे लेकर जा सकती है राइट right? पर वो उसका ओरिजिन क्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता नो वन कैन टेल मी नो बडी गाइस दिस वाज आर पोम विंड ऑन द हिल बाय ए ए माइल आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पोम एंड इफ यू डिट प्लीज हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड Please click on the bell icon so that you can be updated about the new videos. Now, I'll meet you in my next video. Till the time, take care, keep learning, have a wonderful day ahead. Bye bye.